गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्रामर का बैच शुरू हो रहा है 16 जनवरी से, और आपको मेरे चैनल में जाना है, मेरे चैनल के होम पेज में जाना है, और जो वीडियो आपको होम पेज में नज़र आ रहा है वहाँ पर आप देखोगे टुवर्ड्स राइट टॉप में ज्वाइन लिखा है, आप वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन जब आप करोगे तो आपको 111 फीस आपको पे करना होगा पर मंथ, ये हर मंथ का है, तो पर मंथ 111 फीस पे करना होगा। और जब आप फीस पे कर दोगे आपको सारा ग्रामर के वीडियोज आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। सीएपीए पेपर 2 की बुक्स अवेलेबल है, ग्रामर की बुक, राइटिंग सेक्शन की बुक, और वोकैबलरी की बुक भी है, ठीक है, एसे, रीडिंग कॉर्नर, ये सब की बुक्स अवेलेबल है। अगर आपको खरीदना है तो cap-kashmir.com में आप जाकर आप बुक खरीद सकते हैं। अगर आपको बुक खरीदने के पहले ये देखना है कि कैसा है बुक, सैंपल पेजेस भी अवेलेबल है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। राइटिंग सेक्शन बैच शुरू हुआ था 5 जनवरी से, अभी भी एडमिशन ओपन है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये राइटिंग सेक्शन बैच में टोटल 17 ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, 11 आर्गुमेंट क्वेश्चन, 11 रिपोर्ट क्वेश्चन। तो उसमें से 15 ऐसे क्वेश्चंस मैं दिखा रही हूँ, जो 2 ऐसे क्वेश्चन है वो मिनी टेस्ट में दिए जाएंगे, इसलिए वो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। और 10 आर्गुमेंट क्वेश्चन दिखा रही हूँ, 11th मिनी टेस्ट में होगा, और 10 रिपोर्ट क्वेश्चन और 11th रिपोर्ट क्वेश्चन मिनी टेस्ट में होगा। तो मैं ये सारे क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है और करंट से भी कनेक्टेड है ये। तो स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना कि सिक्योरिटी से कनेक्टेड आपको जो भी ऐसे क्वेश्चंस या रिपोर्ट या आर्गुमेंट दिखते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा ध्यान रखना एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से कनेक्टेड जितने भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं रिपोर्ट या आर्गुमेंट, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कोई देखिए इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी में कुछ करंट नहीं है, ये सिक्योरिटी हमेशा से आप समझ लीजिए एक इंडिया के लिए इश्यू बनी हुई है सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। और आजकल जितने भी नेशन है सब इनसिक्योर ही है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तो इसीलिए आप सिक्योरिटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप इकट्ठा करो, उस पर रिसर्च करो और उसके आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश करो। तो पहला जो मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन दिया है, प्रीवियस ड्यूरिंग इलेक्शन, तो इलेक्शंस के दौरान जो पॉलिटिकल कैंडिडेट होते हैं वो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको कुछ भी फ्री में देते हैं, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई अल्कोहल दे रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन कैसे हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, क्या इज इंडिया रेडी फॉर मूविंग अहेड फ्रॉम मेक इन इंडिया टू मेक फॉरवर्ड। तो एक्चुअली हमारे पीएम ने जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव लिया था, तो अब अभी रिसेंट में पीएम ने जो स्पीच दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब भारत रेडी है दुनिया के लिए बनाने के लिए, पहले भारत अपने लिए बना रहा था, भारत दुनिया के लिए बनाने के लिए रेडी है। तो इसलिए मैंने ये ऐसे क्वेश्चन पूछा है, क्या वाकई में रेडी है। इंडिया प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल कैटास्ट्रोफिक इवेंट, तो विपदाओं को हैंडल करने का इंडिया का कितना कितना प्रिपेयर्ड है। तो मैंने आपको बताया सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट से कनेक्टेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग कुड कॉज डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी को बहुत हैम्पर होता है जब पॉलिटिकल फंड्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं रहती है तो। नेक्स्ट है अ जुडिशरी गवर्नमेंट कंसल्टेशन अ रियलिटी चेक, तो गवर्नमेंट और जुडिशरी में टसल होते हैं, ये आपको भी पता है, तो जुडिशियल ओवररीच की वजह से भी टसल हो रहे हैं, तो उसपे भी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, वो राइटिंग सेक्शन के बुक में मिल जाएगा आपको। तो उस कन्फ्रंटेशन का क्या सत्य है, क्या वास्तविकता है, ये है क्वेश्चन। द रोल ऑफ इंटेलिजेंस सर्विसेज इन नेशनल सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी से कनेक्टेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इंडियाज एम टू बिकम ग्लोबल सेमीकंडक्टर, हम ये भी एक इशू चल रहा था तो मैंने क्वेश्चन दे दिया। स्लम ड्वेलर्स एंड द राइट टू सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिटी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि रूरल माइग्रेशन जो होता है, यानी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, तो वो रूरल पीपल कहाँ रहते हैं,
स्लम रीजन्स में रहते हैं, जो बहुत अनहाइजीनिक होता है, ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं मिलता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो अनहाइजीनिक कंडीशन में अगर स्लम ड्वेलर्स रहेंगे तो ऑब्वियसली इतना बड़ा वर्कफोर्स, इतना प्रोडक्टिव वर्कफोर्स अगर इतने अनहाइजीनिक कंडीशन में रहेगा तो हेल्थ इफेक्ट पड़ेगा। हेल्थ इफेक्ट पड़ेगा तो वो नेशंस के इकोनॉमी में तो बर्डन सम है, वो एसेट के लिए काम ही नहीं करेगा, वो एज एन एसेट होगा ही नहीं, वो तो लियाबिलिटी बन जाएगा। इसीलिए स्लम ड्वेलर्स की स्थिति को सुधारने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन इसी पर है। अर्बन एग्रीकल्चर, तो फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसका एक उपाय है अर्बन एग्रीकल्चर। सिटी में किस तरह से एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं? द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर से काफी कुछ चेंज हुआ है, ग्लोबल ऑर्डर ही पूरा चेंज हुआ है। तो क्या ग्लोबल ऑर्डर है, इस पे क्वेश्चन है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एजुकेशन, एजुकेशन पे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर मनी इक्वल्स बेटर हेल्थ, जब से पेंडेमिक हुआ है हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोलते हैं भाई जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसका सेहत अच्छी होगी। वी नीड नेचुरलाइज ह्यूमन, नॉट ह्यूमनाइज नेचर, ये भी एनवायरमेंट से कनेक्टेड है। नेचुरलाइज ह्यूमन का मतलब है कि ऐसा ह्यूमन जो अपने आप को अच्छे से कनेक्ट करे प्रकृति से, न कि मतलब मानव जैसा ह्यूमन नहीं चाहिए, ऐसा ह्यूमन चाहिए जिसमें जो नेचर से कनेक्टेड रहे। ये है फेमिनिज्म इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। तो यहाँ पर फेमिनिज्म, नारीवाद जो है, ये एक आइडियोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट था जो नारी के राइट्स को स्टैब्लिश करना, नारी को लिबर्टी देना, नारी आई मीन जो विमेन का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसके अगेंस्ट बोलना, ये था फेमिनिज्म। मगर अब फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी चेंज हो गई है और वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उसी पे क्वेश्चन में स्ट्रेटेजिक कल्चर शेप्स कंट्रीज मिलिट्री रिस्पॉन्स। तो देखिए सिक्योरिटी मैंने पहले भी कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि नेशन का कल्चर जो है, नेशन का कल्चर अगर हमें पता है, किसी कंट्री का कल्चर हमें पता है, तो हम ये बता सकते हैं उसका मिलिट्री रिस्पॉन्स कैसा होगा। वो सिक्योरिटी थ्रेट, जब उसको उसका सिक्योरिटी थ्रेटन होगा तो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा मिलिट्रली, ये हमें पता चलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है। फिर ये ऐसे हुआ 1617 ऐसे मिनी टेस्ट के लिए। आर्गुमेंट वन, देयर हैज टू बी सम लिमिट इन लक्जरी लिटिगेशन। तो PIL आजकल सभी कर लेते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है। एंडोर्सर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लेम्स इन एडवर्टाइजिंग। तो अमिताभ बच्चन, अभी आपको पता ही है, कभी अमिताभ बच्चन ने कुछ बिस्किट का आटे और दूध से मिला हुआ कुछ बताया था, तो अमिताभ बच्चन उस बिस्किट को एंडोर्स कर रहे हैं, तो उस पर है ये क्वेश्चन। रिजर्वेशन फॉर द पुअर इज अ गुड थिंग, रिजर्वेशन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवेलपिंग कंट्रीज डू नॉट मेक मच एफर्ट्स टू गो ग्रीन, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी, ये दो टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल पुट फ्यूचर जॉब अंडर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एनहांसिंग सिक्योरिटी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टीचिंग मेथड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सब जगह यूज हो रहा है ये टेक्नोलॉजी, तो ये इम्पोर्टेंट है। देर इज अ नीड टू रेगुलेट द कंटेंट ऑन OTT प्लेटफॉर्म, इम्पोर्टेंट है। इंडिया इज रेडी फॉर, नॉट रेडी फॉर 5G टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है RTI हैज फेल्ड इन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि RTI फाइल करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत दिनों बाद आजकल मिलती है वो जो स्टिपुलेट टाइम पीरियड था वो नहीं होता है। लिकर शुड बी बैन कम्प्लीटली, अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर इनटू स्पेस इंडस्ट्री इज नॉट अ गुड आइडिया। फिर रिपोर्ट वन है जॉब कट्स इन टेक लैंड, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट से कनेक्टेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट टसल, साइबर अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, तो ये चाइना से कनेक्टेड क्वेश्चन है। क्रैशिंग क्रिप्टो मार्केट, नेशनल सिक्योरिटी हनी ट्रैपिंग, तो बहुत सिक्योरिटी से कनेक्टेड जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना उस पर जरूर से आप ऐसे तैयार करिए रिपोर्ट या आर्गुमेंट। पाक ड्रोन, अ न्यू चैलेंज टू इंडिया सिक्योरिटी, देखिए कितने 3 क्वेश्चन सिक्योरिटी पर है। इंडिया डिजिटल रूपी और COP27 प्रोग्रेस एंड आउटकम। तो स्टूडेंट्स इसके आपको PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कॉम्पिटेटिव इंग्लिश बाय रश्मि। थैंक यू वेरी मच।